6 लाख 7 लाख में टिकट बेचते हैं, क्या बात करेंगे, वो जाकर के पूछ लीजिएगा उनसे। पिछड़ों वंचितों को दिलाने की लड़ाई है लगातार, जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी मुख्यमंत्री जी से समय मांगा तो उन्होंने मिलने का समय दिया। हमारे कुछ साथी हाईकोर्ट पे लड़ रहे थे भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का। मैं इसको करीब लगभग 1 साल से अध्ययन कर रहा था। नमस्कार साथियों, मैं हूं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। आज मऊ जनपद में है और यहां पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन्हीं सब खास मुद्दों पर गीता राजभर हैं, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं और बताएंगी कि नहीं आज किन किन मुद्दों पर यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। आज आप लोग मऊ में उपस्थित हुए हैं, लगातार मंत्री जी का मऊ में दौरा है और कुछ दिनों से, और यहाँ मऊ की जनता ने लगातार इस्तीफा दे रही है और उसी तरह से उतना ही जोर शोर से मंत्री जी यहाँ लगातार दौरे पर भी हैं। क्या यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ से, जो तकलीफें से ये लोग यहाँ इस्तीफा दे रहे थे, क्या ये चीज़ पहले नहीं याद थी क्या कि मंत्री जी इतना तेज़ी से यहाँ जोर शोर से लगे हुए हैं? देखिए, याद तो जो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी भी रही है, समाजवादी पार्टी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी के लोग भी रहे हैं, बीजेपी आज सत्ता में भी है, किसी को गरीबों दलितों पिछड़े पिछड़े गए लोगों की याद आई? जब सत्ता में होते हैं तो इनको क्यों नहीं याद आती है? आज तो हम सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी दबे कुचले पिछड़े पिछड़े गए लोगों की वकालत कर रहे हैं। और लखीमपुर के मैदान में आप 18 अक्टूबर को देखिएगा, वहाँ कितना जलवा होगा, कितना जुनून होगा, दबे कुचले पिछड़े पिछड़े गए लोगों का ही जो है कि वहाँ मैदान भरा रहेगा, इन्हीं लोगों से मैदान भरा रहेगा, आप देखिएगा लखीमपुर के मैदान में। लेकिन यहाँ अगर इतना ही अगर मंत्री जी को, वो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं यहाँ। देखिए, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, यदि आपके घर में मेरा मन नहीं रहेगा रहने के लिए तो आप रोक भी नहीं सकते। वो तो पार्टी के, देखिए पार्टी अब क्या बताएं, हमारे मुखिया जी जो है माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का दुर्भाग्य ये है कि उनको मुखिया बनाए थे, उनको मालिक बनाए थे और वो मालिक बन करके पार्टी को गुमराह करने का काम किए और वो अलग जा करके पार्टी बनाने का काम कर रहे हैं। तो उनको जो करना है वो करें लेकिन वो सक्सेस नहीं पाएंगे, वो तो खुद कार्यकर्ताओं को जो है कि नाश करने का काम कर रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव में खुद टिकट काटने का काम किए, यदि वो कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं तो जिला पंचायत के चुनाव में क्या है, काहे नहीं छोड़े। गीता राजभर खुद साक्षी है, मैं जिला पंचायत इंदारा से रही हूँ और मैं टिकट मांग रही थी पासा से, काहे नहीं पासा में दिए, 6 लाख 7 लाख में टिकट बेचते हैं, क्या बात करेंगे, वो जाकर के पूछ लीजिएगा उनसे। पार्टी ओम प्रकाश राजभर की और टिकट बेचते हैं महेंद्र राजभर, और टिकट खुद बेचे हैं, वो तब थे ना, तब पार्टी में थे, वो तो मंत्री जी के निर्देशानुसार काम किए होंगे ना। मंत्री जी के निर्देशानुसार भाई, मंत्री जी भी जिम्मेदारी, यदि आप हमारे परिवार के हैं तो आपको जिम्मेदारी देते हैं तो आप भी कहीं नाजायज फायदा उठाते हैं, तो हमें तो नहीं पता है कि आप नाजायज फायदा इसका उठा रहे हैं, तो यही होता है कहीं कहीं परिवार में, तो यही हुआ है, तो चले गए हैं वैसे लोग, तो बहुत अच्छी है, अब सेफ है पार्टी और पार्टी आगे जाएगी। दलितों पिछड़ों वंचितों की ये पार्टी है और देखिएगा आप लखीमपुर के मैदान में कितने लोगों की भीड़ होगी। यहाँ आज ओम प्रकाश राजभर जी किस परिपथ से आए थे? देखिए, 18 अक्टूबर को जो लखीमपुर के मैदान में जो कार्यक्रम है और जो सावधान यात्रा है उसी के परपज में आए थे, सबको बताने के लिए, कार्यकर्ताओं को अपने सहेजने के लिए आए थे। ठीक है, और कुछ 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से भी ओम प्रकाश राजभर जी मिले थे, बता रहे थे कि मैंने मिल करके उनको फंसा दिया। कौन बताया? मंत्री जी अभी अपने उद्बोधन में बताए कि नहीं ये सीएम साहब से मिल करके भी हम उनको फंसा दिए। 17 जातियों को SC ST में जो है कि जो डालने की बात थी तो इस नाते वो मिले थे, आप खबर में भी पढ़े हैं, और कोई बात नहीं थी। क्या आने वाले 2024 में गठबंधन भी हो सकता है क्या? अब ये माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ही बता पाएंगे इस बात को। जी, कितने तारीख को ये सावधान यात्रा की तैयारियां और कब समाप्त होगी? देखिए, एक मिनट, दलितों पिछड़ों वंचितों किस परिपथ से ये सावधान यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, जब पार्टियां सत्ता में होती हैं तो गरीबों तबकों का ख्याल नहीं रखती हैं,
तो यही जो पिछड़े पिछड़े गए लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, इनके हक हकूक के लिए जो वंचित हैं, हक अधिकार से जो वंचित जो जातियां हैं उनको हक दिलाने के लिए हम सावधान यात्रा लखनऊ में 26 आपके सितंबर से शुरुआत करके पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में घूमते हुए हम 27 अक्टूबर को समापन करेंगे पटना में गांधी मैदान में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महिला मंच के गीता राजभर्ती, इन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई हक अधिकार पिछड़ों वंचितों को दिलाने की लड़ाई है। लगातार जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं बंटी राजभर गाजीपुर से, जय हिंद।